यमुनानगर के सिटी सेंटर रोड की हालत खस्ता हो चुकी है। ओपी जिंदल पार्क के पास स्थित इस सड़क की हालत इतनी बुरी है कि आना जाना भी दुश्वार भरा है। लोग आते जाते हैं, सड़क के बीच में गिरते हैं, परेशान होते हैं। इसी इलाके में स्कूल भी है, सैकड़ों की संख्या में लोगों का, बच्चों का, बुजुर्गों का आना जाना रहता है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं इस सड़क के, और इस सड़क को कई अन्य रास्ते भी लगते हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं। यहाँ दुकानदार भी हैं जो परेशान हैं, कई तरह के दिखते हैं इन इलाके के लोगों को, बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। इलाके के लोग लगातार नगर निगम से गुहार लगा चुके हैं, जानते हैं लोगों की जुबानी, उन्हीं की परेशानी। मैं बोल रहा हूँ जी, ये मैं जिंदल पार्क के सामने खड़ा हूँ। जिंदल पार्क का रोड देखने का लायक है, इसमें गड्ढे ज़्यादा है और सड़क कम है, लेकिन नाम तो इसका जिंदल पार्क रोड है, लेकिन पार्क नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। यहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं, यहाँ पे इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों का पता नहीं चलता। बरसात थोड़ी सी पड़ती है भर जाते हैं, आने जाने वाले को इतनी कठिनाई रहती है कि गड्ढों का पता नहीं चलता। गनीमत यह है कि कई लोग जो नौजवान बच्चे हैं वो तो बचा चूके निकल जाते हैं, जो हमारे जैसे बुजुर्ग हैं औरतें हैं वो गिर जाते हैं और चोट लग जाती है, और चोट लगने के कारण उनको घायल अवस्था में कहीं ना कहीं इधर भटकना पड़ता है। कोई उठाने वाला भी नहीं होता, क्योंकि जो गड्ढों में उठाएगा उसके कपड़े भी गंदगी से भर जाएंगे। इसलिए प्रशासन से अपील की जाती है, कृपा करके इन गड्ढों की मरम्मत की जाए, रोड को सही किया जाए, जहाँ जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं उनको उठाया जाए, और आने जाने वाले यात्रियों को, बहनों को, भाइयों को सुविधा हो सके। इसलिए मेरा प्रशासन से बार बार यही निवेदन है कि जो भी काम जो कल होना है उसको आज करें, जो आज करना है उसको अभी करें, इस पर हमारा ध्यान दें और हमारी बात को अनगहली ना करें, हमारी बात पे गौर करें, कृपा करें। धन्यवाद, शुक्रिया। आप यहाँ जा पाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समस्या तकरीबन 1.5 महीना होगा जी, ये नाले का काम चल रहा है, वो बारिश होती है यहाँ तो पानी मतलब नीचे लेवल में है एरिया, और यहाँ पानी इकट्ठा होता है। और मेरे हिसाब से एक तरफ से रास्ते चालू करते पहले, जो लोगों ने झील में आना है घूमने के लिए, गाड़ी भी है, स्कूल के बच्चे कॉलेज साथ में हैं, यहाँ कोई भी आ नहीं रहा। और दूसरी समस्या है पानी की निकासी को ना करने कारण जो पानी का लेवल है हमारी दुकानों में आ रहा है, और हमारी दुकानों का नुकसान बहुत हुआ, राशन का सामान ख़राब हो रहा है, और जो हमारे साथ दुकानदार हैं वो एंट्री भी नहीं कर सकते। अब मेरा मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ा है, मैं घर से पैदल यहाँ आया हूँ, इसलिए आऊँगा, एंट्री करने के लिए जगह नहीं है। और एक तरफ का रास्ता ये चालू हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, परंतु इसमें थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाया जाए ताकि किसी को नुकसान ना हो। और कल रात की बात है, कल शाम 6:30 बजे एक बुजुर्ग महिला और उसका पति यहाँ से निकले और वहाँ नाले में गिर गए, वो गनीमत रही इनको चोट नहीं लगी। अगर ये चोट लगी इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन से अपील है, ये नगर निगम से अपील है कि इस काम को जल्दी बढ़ाया जाए ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ से लेके ये अपनी पीर की समाध तक काम चल रहा है, और इतनी यहाँ ट्रैफिक जाम हुई थी, अगर पुलिस की गाड़ी या वो, इसमें बहुत दिक्कत है। हम ये आते हैं कहाँ स्पीड से बढ़े और ताकि हमें कोई परेशानी ना आए पब्लिक को। और मैं सरदार अमनदीप सिंह, हम जिंदल पार्क के बाहर खड़े हैं जी, और ये 26 किले में पार्क है, और साथ में लगता है इसके साथ ही बच्चों का एक सरकारी स्कूल भी है 1 किलोमीटर पे, और 1.5 किलोमीटर पे यहाँ से रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लोगों का डेली का आने जाने का लगा रहता है। पर आप इस रोड के हालात देख लीजिए कि लोग यहाँ से आ जा सकते हैं, और रोज ही कोई ना कोई स्कूल का बच्चा, कोई ना कोई घटना यहाँ पर घटी रहती है। और मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इस काम को जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए, और इस बरसातों में काम होने के कारण पिछले साल भी यहाँ पर बीमारी फैल गई थी, यहाँ पर मच्छर डेंगू सारा पैदा होता है, और ना तो यहाँ दुकानदार अपनी दुकान में बैठ सकता है, और ना यहाँ दुकानदार अपनी दुकान में बैठ सकता है, उसके कारण यहाँ बीमारी फैल रही है। और प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान दिया जाए। नाम मंगत राम है जी। दिक्कत यह है कि जब भी बारिश होती है यहाँ पे अपनी दुकानें हैं, दुकानों में पानी बढ़ जाता है और गंदगी बढ़ी जाती है, क्यों ये जो जगह है सबसे शहर के निचले हिस्से में है, और जैसे थोड़ी सी बारिश होती है और यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। अब आप ये कैमरा मैन जरा घुमाना है, दिखाना जरा थोड़ा सा, तो ये इसलिए दिक्कत होती है यहाँ पे। तो मेरी हाँ जी, दुकानदारी भी ख़राब हो रही है। दूसरा ये है कि सरकार से अपील है अभी ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए और पब्लिक को भी दिक्कत ना आए। धन्यवाद। मानसून ने दस्तक दे दी है। बात करें जिला यमुनानगर की, क्या तैयारियां, पता लगा कंट्रोल रूम भी बनाया गया जी? हमने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि बारिश हर साल जो आता है, इस बार भी एक्सपेक्टेड है,
इसमें सबसे पहले तो जो मेजर नाले हैं शहर के वो करीब 54 किलोमीटर के नाले हैं, डिफरेंट विथ के, डिफरेंट डेप्थ के। उनकी फर्स्ट टाइम पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, इसमें पर्याप्त मैन पावर लगा था, JCB और पोकलेन मशीन लगा था, और डिच ड्रेन जो हमारा सबसे डाउन स्ट्रीम पॉइंट है वहाँ से लेके अपस्ट्रीम तक पूरे जो नाले हैं वो एक बार सफाई हो चुके हैं। नालों की सफाई दूसरी और तीसरी बार भी चलेगी चरण में। सेकेंडली, जो बाकी छोटे नाले हैं उनमें भी हमारी अलग से सैनिटेशन की टीम लगी हुई है और वो पूरे दिन इस पर हमारी नज़रें हैं और हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट हम जियोटैक फोटोग्राफ्स के साथ भी ले रहे हैं और साइट विजिट भी हो रहे हैं ऑफिसर्स की, और कोई भी समस्या नहीं है। नालों की सफाई जो है वो पूरी तरह से ऑन ट्रैक है और एक बार सभी नालों की सफाई हो गई है। इसके अलावा जो है हमने ड्यूटी लगाई है, हमने ऑलरेडी, हमें पता है कि लो लाइंग एरिया कौन से हैं निगम में जहाँ पानी खड़ा रहता है जब बारिश आती है। तो ऐसे कुछ एरियाज जो है वो आपके जो है जैसे कि मुकारमपुर और बुढ़िया खारवान रोड पे, प्रोफेसर कॉलोनी में, गली नंबर 10 दशमेश कॉलोनी में, बाडी माजरा और रायपुर में, ओल्ड हमीदा में, लकड़ मंडी में, तो ये एरियाज हमारे ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हमने वार्ड वाइज टीम गठित की हुई है, उसमें जूनियर इंजीनियर, बेलदार और SI की टीम है। साथ ही साथ हमारे और भी, हमने पंप्स भी इनको प्रोवाइड किए हुए हैं। हमारे पास 13 पंप्स हैं 7.5 हॉर्स पावर के, ये सभी पंप्स वर्किंग कंडीशन में हैं और ये पंप्स जो है इन लो लाइंग एरियाज़ के आसपास स्टेशन किए गए हैं कि जब पानी यहाँ पे खड़ा होगा तो इमीडिएटली उसकी निकासी हो पाए। साथ ही साथ हमने कंट्रोल रूम भी एस्टैब्लिश किया हुआ है। कंट्रोल रूम में अगर कोई पानी को लेकर समस्या आती है बारिश के समय तो तुरंत संपर्क किया जा सकता है और कंट्रोल रूम द्वारा हमारी टीम को सूचित किया जाएगा, जो वार्ड वाइज टीम गठित हुई हुई है JE, SI और बेलदार की, और ये इमीडिएटली जाके वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेंगे। बताएंगे कौन सा कंट्रोल रूम क्या नंबर पर डायल करें यदि कंट्रोल रूम में करना पड़ जाए? जी, कंट्रोल रूम का नंबर है 231500। अगर कहीं पर वाटर लॉगिंग की समस्या आती है तो कृपया करके कंट्रोल रूम में कॉल करें। निगम की टीम जो है, वार्ड वाइज टीम जो गठित है, वो इमीडिएटली एक्शन में आएगी और वहाँ पे पहुँच के सिचुएशन को संभालेगी और रेक्टिफाई करेगी।